हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले सोनी का 43 इंच का टीवी, जिसमें आपको देखने मिलता है फुल एचडी पैनल विद एक्स रियलिटी प्रो, और उसी के साथ यहाँ पे एक्स प्रोटेक्शन प्रो का भी फंक्शन उन्होंने यहाँ पे अवेल किया है। और गाइस कई सारे और भी फीचर्स इसमें देखने मिलते हैं, तो एक एक लैप पे हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और गाइस ये है वो एक्चुअल टीवी। बॉक्स के अंदर आपको देखने मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी गाइड आपको देखने मिलती है, स्टैंड्स आपको देखने मिलते हैं, पावर अडाप्टर आपको देखने मिलता है, रिमोट कंट्रोल देखने मिलता है, और दो ट्रिपल ए बैटरीज भी उन्होंने इसमें प्रोवाइड की है। और उसी के साथ यहाँ पे नीचे की तरफ जो स्टैंड्स है उसे हम इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस ये सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलते हैं, और ये है वो एक्चुअल टीवी। तो सबसे पहले इसका जो प्लास्टिक रैप है उसे हम रिमूव करते हैं। और गाइस अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन और करते हैं इसमें सारी चीजें सेटअप। सो गाइस यहां पे हमने अनबॉक्स करके इसमें सारी चीजें सेटअप कर दी है, और पिछले एक दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो यहां पे आपको काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने मिलती है, काफी हाई क्वालिटी प्लास्टिक का यूज इन्होंने यहां पे किया है, और नीचे की तरफ जो स्टैंड प्रोवाइडेड है वो आपको कंप्लीटली मेटल स्टैंड्स देखने मिलते हैं। फिर मैं बात करना चाहता हूं यहां पे पोर्ट्स की। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे आपको देखने मिलते हैं वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन पावर ऑन का बटन, और पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है लैन का इनपुट, पावर इनपुट आपको देखने मिलता है, एवी का इनपुट उन्होंने प्रोवाइड किया है, और राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलते हैं दो यूएसबी, दो एचडीएमआई, 3.5mm का जैक और एंटीना का इनपुट। फिर मैं बात करना चाहता हूं इसके डिस्प्ले की। तो यहां पे आपको देखने मिलता है 43 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले, जिसमें आपको देखने मिलता है एक्स रियलिटी प्रो चिपसेट, जिसमें आपको देखने मिलता है मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी। मतलब जब भी आप कोई एक्शन सीक्वेंस देखते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लर इमेज या फिर ब्लर वीडियो नहीं विजिबल होगा, काफी क्लियरली आपको जो एक्शन सीक्वेंस है वो विजिबल हो जाता है। और इसमें आपको X रियलिटी प्रो देखने मिलता है, जिसकी हेल्प से जो कलर है वो काफी बढ़िया तरीके से इसमें इनहांस हो जाते हैं। सो डिस्प्ले के मामले में काफी बढ़िया डिस्प्ले उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे आपको आउटपुट देखने मिलता है डिस्प्ले का 1080p एट 60Hz। और ये जो पर्टिकुलर डिवाइस है ये PS4 कंपैटिबल है, मतलब आप इसकी हेल्प से PS4 को कनेक्ट करके गेमिंग भी इसमें कर सकते हो। और प्लस यहाँ पे हमने कुछ गेम्स भी यहाँ पे PS4 कनेक्ट करके इसमें खेले हैं, काफी बढ़िया आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देखने मिलता है अगर आप PlayStation के साथ इसमें गेम्स खेल रहे हो। सो गाइस PS4 कंपैटिबल डिवाइस उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, और डिस्प्ले के मामले में सोनी ने यहाँ पे काफी बढ़िया इस टीवी पे काम किया है। फिर हम बात करेंगे इसके आउटपुट साउंड की। तो यहाँ पे आपको डाउन फायरिंग दो स्पीकर्स देखने मिलते हैं 10-10 वॉट्स के, सो टोटल आउटपुट साउंड है 20 वॉट्स का। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ओपन बैफल स्पीकर्स देखने मिलते हैं, जो काफी बढ़िया यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन करते हैं, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफी अच्छी लगी। तो अभी आप सुन सकते हो सैम्पल वीडियो, जिसमें आप सुन सकते हो इसकी साउंड क्वालिटी। कोई शक मत करना, स्वागत है प्रोजेक्ट पावर में। हमारा गोल सिंपल, नए मानव जाति का निर्माण। पहले से लेकर देखा है, ये तुम्हें हल्क बना सकता है, मिस्टर इंडिया बना सकता है। इसे लेने के बाद तुम्हें तुम्हारी पावर का पता चलेगा। तो वो पावर बेचती है ना? हाँ, सब सुपर पावर्स की बात करते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि गोली जान भी ले सकती है। सो बढ़ते इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो यहाँ पे आपको लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलता है, और इसकी हेल्प से आप सेटिंग्स में जाके कई सारी चीज़ें सेट कर सकते हो इस टीवी की। प्लस इसमें आपको वाईफाई भी देखने मिलता है, तो बेसिकली वाईफाई के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और प्री लोडेड एप्लीकेशंस उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, यूट्यूब है, Z5 है, ओल्ड बालाजी और कई सारे अदर एप्लीकेशंस उन्होंने यहाँ पे प्रीलोडेड प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नेटफ्लिक्स को टर्न ऑन करते हैं, और नेटफ्लिक्स भी काफी बढ़िया तरीके से इसमें टर्न ऑन हो जाता है, कोई भी लैग महसूस नहीं होता, और इसकी हेल्प से आप फुल एचडी में वीडियोस देख सकते हो।
फिर हम बढ़ते हैं Amazon Prime Video की तरफ। तो यहाँ पे Amazon Prime Video थोड़ा बहुत लैग यहाँ पे आपको देगा, और इसमें भी आप जो कंटेंट है वो फुल HD में काफी बढ़िया तरीके से देख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं YouTube की तरफ, तो यहाँ पे YouTube भी काफी बढ़िया तरीके से चल जाता है। YouTube में भी कोई लैग आपको महसूस नहीं होगा, और YouTube पे जो भी कंटेंट आप देख रहे हो इसमें फुल HD तक आप काफी बढ़िया तरीके से कंटेंट देख सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे Z5 हो गया, हंगामा हो गया, ओल्ड बालाजी हो गए, कई सारे प्री लोडेड एप्लीकेशन है, उन्हें भी आप इसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। प्लस इसमें आपको ब्राउजर भी देखने मिलते हैं, तो ब्राउजर की हेल्प से आप कई सारे डिफरेंट वेबसाइट यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हॉटस्टार ओपन किया है, तो हॉटस्टार भी इसमें काफी बढ़िया तरीके से ब्राउजर की हेल्प से ओपन हो जाता है। प्लस गाइज यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मीडिया सेक्शन देखने मिलता है, जिसमें इमेजेस वीडियोज आप ओपन कर सकते हो, मतलब एक्सटर्नल पेन ड्राइव अगर आप इसमें अटैच कर रहे हो तो उसकी हेल्प से आप इसमें मूवीज इमेजेस वगैरह हर एक चीज व्यू कर सकते हो। प्लस गाइज अगर इसके कास्टिंग की बात करें तो यूट्यूब के वीडियोज वगैरह आप डायरेक्टली इसमें कास्ट कर सकते हो वाया वाईफाई। और फिर मैं बढ़ना चाहता हूँ इसके रिमोट कंट्रोल की तरफ, तो यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा रिमोट कंट्रोल देखने मिलता है, जिसमें उन्होंने दो एक्सेस की दी है, एक नेटफ्लिक्स के लिए, एक यूट्यूब के लिए, तो डायरेक्टली आप इसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। और ये जो पर्टिकुलर रिमोट है ये IR बेस्ड रिमोट कंट्रोल उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। हालांकि उन्होंने ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल प्रोवाइड करना चाहिए था, बट यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने मिलती है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर प्रोवाइड किया होता तो काफ़ी बेटर होता, तो आपको ब्लूटूथ रिमोट या फिर वॉइस सर्च का भी फंक्शनलिटी यहाँ पे देखने मिलता था, तो ये चीज़ एक सोनी ने यहाँ पे इम्प्रूव करनी चाहिए थी। प्लस गाइस इस टीवी में आपको देखने मिलता है एक्स प्रोटेक्शन प्रो का फीचर, मतलब अगर आपके घर पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो इस टीवी को इफेक्ट नहीं होने वाला। प्लस अलग अलग ह्यूमिडिटी कंडीशंस में, अलग अलग वेदर कंडीशंस में ये टीवी सर्वाइव कर लेता है। इसका मतलब कि इंडियन यूजर्स होते हैं अलग अलग रीजन्स में, वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, तो ये टीवी काफी बढ़िया तरीके से सस्टेन कर लेता है। प्लस ये डस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब डस्ट भी अगर इसके ऊपर सेटल हो जाती है ओवर अ टाइम बीइंग तो भी आपको यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे एक्स प्रोटेक्शन प्रो का फीचर उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो गाइस ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट इस टीवी के बारे में, काफी बढ़िया ये टीवी है, जो फुल HD आउटपुट है 60 हर्ट्ज का वो भी काफी बढ़िया तरीके से आपको विजिबल हो जाता है। PS4 कंपैटिबल ये डिवाइस है, और भाई यहाँ पे आपको ये जो टीवी है पड़ जाएगा 39,990 रुपीज की प्राइस में। सो अगर किसी को इस टीवी को परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइस बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।